हाय एवरीवन, होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। सो आज का लाइव सेशन है आरती के साथ, जो कि ब्रेन टीवी एंड स्पाइन टीवी की वॉरियर हैं। सो आज हम लाइव सेशन करेंगे उनके साथ और जानेंगे उनके बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में, क्या क्या उनको सिम्टम्स थे, कैसे डायग्नोज हुआ, क्योंकि ब्रेन टीवी और स्पाइन टीवी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। सो टुडे वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स विद आरती। सो मैं आरती को भी इनविटेशन भेज देती हूँ। हेलो मैम। हाय आरती, कैसा चल रहा है सब? बेटर, अच्छा चल रहा है। ओके, सो आरती, आज का लाइव सेशन हम आपके साथ कंडक्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको आपका जो है ब्रेन टीवी और स्पाइन टीवी से रिलेटेड है और इसका ज्यादा जो है नॉलेज नहीं है लोगों को। सो आई थॉट कि आपके साथ सेशन कंडक्ट किया जाए ताकि अवेयरनेस हो, क्योंकि अवेयरनेस होती है तो बहुत इजी हो जाती है चीजें हैंडल करना, राइट? आज हम आपके साथ लाइव सेशन कंडक्ट करेंगे। आई वांट टू टेल यू दैट जब मैंने आपका वीडियो देखा, आई गॉट इंस्पायर्ड एंड यू आर डूइंग एन ऑसम जॉब। थैंक यू सो मच आरती, डूइंग दिस, आई लव योर वीडियोस। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगता है जान के और मोटिवेशन मिलती है एक्चुअली और करने की। सो आई एम आल्सो, प्लीज यू कैन कंटिन्यू। प्लीज। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं आपकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन से, तो आप अपने इंट्रोडक्शन दे दीजिए। अभी हैं लाइव आ रहे हैं लोग, जो लाइव हैं, बाकी मैं इसको अपलोड करूंगी यूट्यूब चैनल पे भी अपने, तो कोई मिस नहीं करेगा इसको, तो आपनी इंट्रोडक्शन दे दीजिए एक बार। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज आरती एंड आई एम 34 इयर्स ओल्ड। आई एम फ्रॉम दार्जिलिंग बट आई वाज वर्किंग इन बैंगलोर एंड आई गॉट टीबीएम देयर ओनली। सो नाउ आई एम अ टीबीएम पेशेंट सिंस 1 year, सो आई एम स्ट्रगलिंग एवरी डे एंड आई ऑल्सो हैव अ यूट्यूब चैनल नेम कलर्स ऑफ लाइफ वेर आई पोस्ट वीडियोज अबाउट ब्रेन एंड स्पाइन टीबी एंड हाइड्रोसेफेलस सो दैट आई कैन हेल्प सम अदर टीबी पेशेंट्स। So this is my brief intro and what else? नहीं है। काफी आपने चैनल स्टार्ट किया है, काफी मैंने भी देखा था आपका चैनल। मतलब एक इनिशिएटिव लेना बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि लोग इनिशिएटिव भी नहीं ले पाते हैं, स्पेसिफिकली जो लॉट ऑफ फील्ड होती है। या एंड देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट टीबी जो लोगों को समझ में नहीं आती, अवेयरनेस भी नहीं है। एंड आई हैव द पीपल जो कहते हैं अगर किसी को टीबी है तो मत बताना कि तुमको टीबी है, इट्स लाइक दैट इन आवर सोसाइटी। सो वी नीड मोर वीडियोस, यही चलता है, यही पे बहुत सारे, हमें भी यही बोला गया कि मत बताना स्टार्टिंग में होता है, लेकिन अब बोलते हैं सबको बताओ, अवेयरनेस फैलाओ, बट वही है, सपोर्ट है फैमिली का, तो इट्स नॉट समथिंग कि उसको छुपाना पड़े, राइट? इट्स जस्ट लाइक नॉर्मल अदर डिजीज, लाइक जो भी किसी को भी कैंसर किसी को हो जाता है तो बहुत ज्यादा सिंपैथी मिलती है, लेकिन टीबी के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। बट वही अगर जितना नॉर्मलाइज करेंगे, जितनी बात करेंगे, उतनी ये चीज जो है वो नॉर्मल लगेगी लोगों को भी। सो आपने भी इनिशिएटिव लिया है, मैंने भी लिया है, होप और भी लोग इनिशिएटिव ले इस चीज में, देखते हैं आगे। And I request all the TB patients out there, जो ये videos देख रहे हैं, please आप लोग भी अपनी story share करिए, because it will motivate other people also to speak up, because यहाँ पे ना किसी को TB है पर वो बोलते नहीं है, अगर वो बात नहीं करेंगे, अगर वो किसी से पूछेंगे नहीं तो उनको फिर knowledge कैसे मिलेगी। And अभी भी ऐसा है कि कुछ लोग है जो doctor को पूछने में घबराते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो अगर आप लोगों को भी टीबीएम है या फिर टीबी है तो आप लोग खुल के बात करिए, इट्स नॉट समथिंग टू गेट शाय अबाउट, राइट? या राइट। सो ये इनकी होगी ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं आपका मतलब आपको कैसे पता लगा आपके टीबी के बारे में, क्या सिम्टम्स थे, कैसे ये सब चीजें स्टार्ट हुई? सो आई विल टेल यू इन ब्रीफ। इन
दिसंबर 2020 आई वॉज गेटिंग हेडेक, मुझे थोड़ा सा हेडेक होने लगा। वो हेडेक 2-3 दिन में सीवियर हो गया। सो फिर मैं एक क्लिनिक गई, वहां पे मैंने डॉक्टर को दिखाया। सो ही सेड दैट इट इज माइग्रेन, बिकॉज मुझे पहले से माइग्रेन था। तो एक हफ्ते तक मेडिसिन ली, कुछ नहीं हुआ। फिर एक हफ्ते बाद आई गॉट अनकॉन्शियस, तो मैं 2 मंथ्स तक अनकॉन्शियस थी। तो मुझे पहले सिम्टम था वो यही था कि थोड़ा सा वीकनेस होना, बॉडी में वीक फील होना, टायर्डनेस थी। पर वो हम अक्सर उसको क्या करते हैं कि इग्नोर कर देते हैं, थोड़ा सा वीकनेस, थोड़ी सी टायर्डनेस होना भी इग्नोर। तो मुझे बहुत ही सीवियर हेडेक था, मतलब इतना सीवियर हेडेक कि अभी क्या बताऊँ। सो बहुत सीवियर हेडेक था एंड वॉमिटिंग, यस। सो द मेन सिम्टम्स वर सीवियर हेडेक, वॉमिटिंग एंड लिटिल बिट फीवर ऑल्सो, माइल्ड फीवर। ओके okay. आपको मतलब ब्रेन के स्पाइन का भी इश्यू रहा था, तो उसका कैसे मतलब डायग्नोज हुआ? तो स्पाइन का ओके, सो क्या हुआ कि फर्स्ट में एक हॉस्पिटल में 18 डेज के लिए आई वाज एडमिटेड इन दैट हॉस्पिटल। तो मेरा 18 डेज में वहां पे कुछ भी नहीं हुआ। आई वाज अनकॉन्शियस, आई वाज नॉट एबल टू टॉक, नॉट एबल टू वॉक, लाइक नथिंग। तो सो आई वाज लाइंग लाइक अ डेड बॉडी देयर। तो फिर वहां से मुझे दूसरे हॉस्पिटल में ले जाया गया। इन दैट हॉस्पिटल वहां पे मुझे ये पहले जब मैंने ब्रेन की एमआरआई करी, 2 बार मेरी एमआरआई में रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आई। व्हेन आई हैड दैट हेडेक आल्सो, व्हेन आई वाज अनकॉन्शियस आल्सो, दैट टाइम आल्सो 2 बार मेरी एमआरआई में नॉर्मल आई। अगर आप लोग एमआरआई कराते हैं और एक बार आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आती है बट आपको ऐसे ही होता है, तो नेक्स्ट टाइम भी आप लोग एमआरआई करिए। मेरी थर्ड एमआरआई में आई कि मुझे ब्रेन में टीबी है। फिर मेरा सीएसएफ का टेस्ट किया, जो स्पाइनल कॉर्ड से वहां से फ्लूइड निकाल के वो सीएसएफ का टेस्ट करते हैं, तब मुझे पता चला कि ब्रेन के साथ में स्पाइनल कॉर्ड में भी है। ओके तो मतलब आपके लिए तो काफी डिफिकल्ट हो गया। आप मतलब बैंगलोर में ये सब हुआ आपके साथ यस यस, या फिर बैंगलोर में, वहां पे? बैंगलोर में, ओके तो बैंगलोर में ही वहां आई पे वॉज एडमिटेड 3 हॉस्पिटल्स इन बैंगलोर। ओके तो यू वर अलोन देयर और फैमिली मेंबर? या आई वॉज विद माई फैमिली एंड नॉट ऑल द फैमिली मेम्बर्स बट माई मॉम केम देयर। सो मी एंड ओके माई मॉम ओके एंड सम चलो क्लोज फ्रेंड्स ऑफ माइन। ओके ओके फिर चलो थोड़ा सही हो गया, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता अगर अकेले होते हैं तो। या फर्स्ट आई वॉज अलोन देयर विद माई फ्रेंड्स एंड वेन आई गॉट एडमिटेड माई मॉम केम एंड ये सब हुआ। सो आई वॉज इन आईसीयू फॉर 7 डेज एंड दैट वॉज वेरी डिफिकल्ट पीरियड फॉर मी एंड बट मोर देन मी इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर माई फैमिली बिकॉज आई वॉज अनकॉन्शियस, आई डोंट नो एनीथिंग। मुझे अभी भी कुछ याद नहीं है उस टाइम मेरी लाइफ में 2 मंथ्स में क्या हुआ, कुछ याद नहीं है। बट फॉर माई फैमिली इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। ओके सो उसके बाद जब आपका डायग्नोज हो गया तो आपको मतलब सेंसिटिव टीबी है, राइट? तो कितने मंथ का आपका ट्रीटमेंट चल रहा है अभी? मुझे 18 to 24 months बोला है। ओके 18 to 24 months। तो मेडिकेशन, जो मेडिसिन है वो कौन कौन सी है आपकी, मतलब कौन कौन सी, कितनी मेडिसिन लेते हो दिन में? मुझे 4 ड्रग रेजिस्टेंट ये टीबी के लिए मेडिसिन है, लाइक टीबी रेजिस्टेंट करके। तो मुझे उसमें है रिफामपिसिन, INH, एथामब्यूटोल एंड बेनेडोन करके, एंड आई एम टेकिंग स्टेरॉइड्स 5 mg/day। और मुझे कुछ ऐसे ही जो विटामिन ये कैल्शियम इनके टैबलेट्स अलग से है। ओके 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 सो कैसे कोप अप करिए, मतलब मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स क्या क्या आपको झेले पड़ रहे हैं अभी, क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं? साइड इफेक्ट्स तो बहुत ज्यादा है। सिंस मुझे टीबीएम तो है ही ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, बट आई हैव हाइड्रोसेफेलस ऑल्सो। सो मेरे ब्रेन में पानी जम गया है, तो उसकी वजह से आई हैव लिटिल बिट मेमोरी लॉस काइंड ऑफ थिंग, कि अगर मैंने आज आपसे कुछ बात की है, कल मुझे उसका 50% मुझे लॉस हो जाता है। सो दैट 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 इज द साइड इफेक्ट ऑफ हाइड्रोसेफेलस, नॉट टीबीएम आई गेस। तो उसके जो मेडिसिन के साइड इफेक्ट है, मैं स्टेरॉइड्स ले रही हूँ। इट्स बिन 13 months, मैं स्टेरॉइड्स, मुझे 20 mg से स्टार्ट हुआ था, नाउ इट्स रिड्यूस्ड टू 5 mg। तो मुझे ना स्टेरॉइड्स की वजह से मेरे बोन्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है, बोन्स वीक हो गए हैं। तो लास्ट मंथ मैंने जब ये बोन मिनरल डेंसिटी का स्कैन कराया था, तो डॉक्टर ने बोला कि मेरे बोन्स जो है वो बहुत वीक हो गए हैं एंड मुझे लेग में बहुत पेन होता है बिकॉज ऑफ दैट स्टेरॉइड साइड इफेक्ट। मेरे बोन्स वीक हो गए हैं एंड
सो यार बोन्स वीक हो गए हैं एंड डॉक्टर ने बोला है कि यू कैन नॉट वॉक अलोन. लाइक आई कैन वॉक प्रॉपरली अलोन विदाउट सपोर्ट, बट फिर भी ही सजेस्टेड मी टू वॉक विद समवन बिकॉज अगर बैलेंस कभी कभी चला जाता है फॉर दैट. एंड टैबलेट साइड इफेक्ट्स तो बहुत ज्यादा है, जैसे कि आप मेरी फेस देख रहे हो, आई वॉज नॉट लाइक दिस बिफोर. मेरा फेस एकदम शेप में था, बट नाउ आई एम दिस चबी चबी, राइट? सो वेट गेन हुआ है मेरा, या टैबलेट की वजह से. जैसे आई हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट, बहुत ज्यादा वेट गेन गेन हुआ, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, बट 5 to 6 kgs इज ऑल्सो अलॉट, राइट? No, it's not a lot. It happens actually because your diet plan has been changed. So I guess. Yeah, it is common. Now I feel like I've changed, you know, and the skin में भी बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हुआ है, व्हाइट स्पॉट्स ऑन स्किन एंड बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स है टीबी के, इस मेडिसिन के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स है. जैसे आपको टिंगलिंग सेंसेशन होता है हाँ, पैर में, हाथ में नूडल्स. टिंगलिंग सेंसेशन होता है, या टिंगलिंग सेंसेशन होता है. एंड व्हेन आई वॉक सम टाइम्स माय नीज गेट नम, वॉक ओके. करते करते नम हो जाता है. तो इधर सम आई नीड समवन टू सपोर्ट मी दैट टाइम, और आई नीड टू सिट डाउन, अदरवाइज आई फॉल. तो ऐसा होता है. बट ये है कि मतलब मोस्ट ऑफ द साइड इफेक्ट्स तो चले जाते हैं जैसे आपका ट्रीटमेंट खत्म होगा, तो काफी साइड इफेक्ट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं. बट या जब तक हैं साइड इफेक्ट्स, जब तक ट्रीटमेंट है तब तक तो एक है, वो एक विल पावर रखनी पड़ती है स्ट्रॉन्ग, की झेलना ही है, बिकॉज मेडिसिन भी नहीं स्टॉप कर सकते हम. सो वही चीज है. बाकी इसके अलावा चलो, मेडिसिन का एक साइड इफेक्ट, एक फिजिकल साइड इफेक्ट होता है, राइट? एक होता है मेंटली, मेंटली बंदा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसके बारे में आप क्या मेंटली कहना हम चाहोगे? बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं मेंटली. यस, आई वॉज वेरी डिस्टर्ब बिकॉज आई वॉज ओके. सो मेंटली फर्स्ट आई वॉज डिस्टर्ब बिकॉज वेन आई सॉ माई फ्रेंड्स गोइंग टू वर्क, दे आर वॉकिंग, दे आर अर्निंग, दे आर पार्टिंग, दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ, एंड आई वॉज जस्ट लाइंग एट बेड. तो बहुत ज्यादा ऐसा होता था. ये एक मेंटल स्ट्रेस एंड मेंटल स्ट्रेस टीबी पेशेंट्स वालों के लिए. दूसरा ये है कि अगर कोई हमें पूछता है व्हाट हैपेंड टू यू, इफ आई से टीबी, दे विल मेक फेस, ऐसे कुछ फेस बनाते हैं, ओ तो टीबी हो गया. आई एम लाइक ओ माय गॉड, ये क्या है, क्या हो रहा है? तो ऐसा कुछ फेस बनाते, इसको टीबी हो गया. एंड कुछ लोग बात भी करते हैं कि ओ मे बी शी स्मोक्स, शी ड्रिंक्स. तो अगर टीबी बोलने में भी ये होता है कि बोलू या नहीं बोलू, बोलू या नहीं बोलू. ये होता है, ये भी एक तरह स्ट्रेस ही है. एंड थर्ड मेंटल स्ट्रेस, थर्ड स्ट्रेस मुझे ये भी है कि मतलब अभी तो नहीं है, बट ये भी था कि नो आई एम नॉट फ्रॉम सम रिच फैमिली, आई बिलोंग टू लोअर मिडिल क्लास फैमिली. तो आई वॉज गेटिंग ट्रीटेड एट द एक्सपेंसिव हॉस्पिटल इन बैंगलोर. वहां पे था एस्टर आरवी हॉस्पिटल, दैट वाज वेरी एक्सपेंसिव. जब मैं आईसीयू में थी, आईसीयू का पर डे का कॉस्ट था 42,000. सो मेरा बहुत ज्यादा बिल बन गया था. एंड माय फैमिली दे पेड फॉर मी, एंड दे लाइक माय मॉम, शी इज, आई एम अलाइव जस्ट बिकॉज ऑफ हर. सो इन दिस लाइफ आल्सो आई वांट टू थैंक हर बिकॉज शी इज माय लिविंग गॉडेस. अगर वो नहीं होती तो मैं आज जिंदा नहीं होती. एंड आई हैव सम स्पेशल पीपल इन माय लाइफ जो जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया. बट फिर भी होता है ना कि एक गिल्ट होता है अंदर की मेरी बीमारी की वजह से मेरी फैमिली को ये प्रॉब्लम हुई, एक गिल्ट होता है ना, नहीं, बट दे आर योर मतलब. फैमिली मेंबर्स, सो गिल्ट करने की जरूरत नहीं है. जब ठीक हो जाओगे देन यू कैन डू थिंग्स फॉर देम ना. जब ठीक हो जाओगे तब उनके लिए आप कुछ करना. अभी आपका टाइम है, फिर उनका आएगा. दैट मैं समझ रही हूँ. अभी व्हाट यू सेड, आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस नाउ आफ्टर 1 ईयर. बट जब मुझे पता चला कि मुझे ये हुआ है एंड माई फैमिली इज गोइंग थ्रू अ लॉट, तो फिर थोड़ा सा ये भी मेंटल अपने दिमाग को अफेक्ट करता है. बिकॉज यू वर गोइंग थ्रू लाइक सो मच, राइट? कि बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही है, पता नहीं लगता है. एंड वही एक लाइफ आपकी बिल्कुल ही अलग है, जहां पे आप वर्क करते हो, जैसे फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हो, और बेड पे आप पड़े हुए हो, तो वो ऑब्वियसली होता है. बट जैसे जैसे आप थोड़ा सा सही होते हो, आपका पर्सपेक्टिव भी, जैसे जैसे आपका ट्रीटमेंट खत्म होगा ना, आपका पर्सपेक्टिव भी चेंज हो जाएगा चीजों को लेके, लोगों को लेके.
तो फर्स्ट इनिशियल डेज लाइक फॉर 3 to 4 months आई वॉज वेरी मेंटली डिस्टर्ब. मैं बहुत डिस्टर्ब थी मेंटली, बट देन आई गेन्ड यू नो थोड़ा सा मेंटल बैलेंस भी आ गया. देन आई थॉट वाई नॉट स्टार्ट दिस सेशन विद पीपल, वाई नॉट शेयर माई स्टोरी. तो फिर अभी आई एम नॉट मेंटली डिस्टर्ब, आई एम हैप्पी. लाइक आई ऑलवेज कीप स्माइलिंग लाफिंग एंड ऑल, आई ऑलवेज कीप टॉकिंग. सो राइट नाउ आई डोंट हैव एनी मेंटल साइड इफेक्ट्स, बट या इन द स्टार्टिंग आई हैड, तो पहले मुझे था. ओके ओके, अच्छी बात है. मतलब ठीक है, अपने आपको किसी ना किसी चीज में बिजी रखना चाहिए. अगर अच्छे काम में बिजी रखते, जितना आपका गिविंग पावर होगा ना, जितना भी आप गिविंग का पावर रखते हो, उससे क्या होगा, आपका जो माइंड है, आपकी सोल है, उसको बहुत ही अलग तरह की फीलिंग मिलेगी. जो एक पीस होता है वो मिलेगा. तो इस बैटर के, चलो मैंने भी जब मैं ट्रीटमेंट थी, मैंने भी सोचा था यार मैं कभी कुछ करूंगी, हेल्प करूंगी, ऐसे वैसे. उस टाइम नहीं स्टार्ट हुआ, लेकिन आपने ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ही ये चीज स्टार्ट कर दी है. ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है. क्योंकि ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट क्या होता है कि सब चीज, अब तो मेरे को आधी चीजें याद भी नहीं है सच बताऊं तो, कि क्या है क्या नहीं हुआ था. अभी 3 4 साल बाद याद भी नहीं रहता. बट अभी आप ट्रीटमेंट पे हो और आपका ब्रेन का है और इसका है, तो इसके बारे में नॉलेज भी नहीं है, तो काफी ज्यादा मतलब हेल्प होगी लोगों को. क्योंकि ये चीजें होती है, डायग्नोज नहीं होती है इजिली. लंग का ऐसा होता है फिर भी डायग्नोज हो जाता है, लेकिन ब्रेन का, स्पाइन का डायग्नोज करना भी मुश्किल है. तो ये सारी ब्रेन चीजें का होती बहुत है. से बहुत सारे लोगों को पैरालिसिस भी हुआ है. आपके बॉडी को इफेक्ट करता है. बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं पैरालिसिस भी हुआ है, बट थोड़ा टाइम लगता है बट ठीक हो जाता है. मतलब हमें लकी समझना चाहिए कि अब मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप मुझसे बात कर सकते कर रहे हो. आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी, लाइक वेरी लकी. बाई गॉड्स ग्रेस लाइक मैं बच गई, वही बहुत बड़ी बात है. वो भी बहुत बड़ी बात है कि बच गए. क्योंकि बहुत मतलब हमें लगता है कि अब तो बहुत सारे ट्रीटमेंट आ गए हैं. पहले जैसे आपको, चलो 18 24 मंथ्स वाला लगा हुआ है, राइट? तो अब तो 9 मंथ्स का भी है, और भी चीजें आ रही है, और भी रेजिमिन आ रही है इसकी. तो बहुत सारे अब एडवांसमेंट हो रही है, होपफुली वैक्सीन भी आ जाए कुछ सालों में, तो काफी ज्यादा एडवांसमेंट. लेकिन जिन्होंने जो झेलना था वो तो झेल ही चुके हैं, वो और तो आगे झेला है, वो तो जिन्होंने. बहुत. बट ये है कि माय जो अवेयरनेस हो रही है. कंडीशन माय कंडीशन वाज लाइक दैट कि जो लोग मुझे हॉस्पिटल में देखने आए थे, दे केम बैक टू माय विलेज एंड दे सेड टू माय विलेज पीपल कि ये लड़की तो नहीं बचेगी. तो जब मैं ठीक होके यहाँ पे अभी लाइक आई एम मच मच बेटर, अभी तो मैं रिकवर कर रही हूँ. तो मैं आई हूँ ना, जो मुझे हॉस्पिटल में देखने लोग आए थे वो बोलते कि ठीक हो गई, मैंने तो सोचा नहीं था तुम ठीक होगी. फिर सेड दैट डायरेक्टली टू मी. तो ऐसी हालत हो गई थी, बट बाय गॉड्स ग्रेस अभी सब ठीक चल रहा है. चलो अच्छी बात है, ठीक ही रहेगा आगे भी. बस अपना डाइट पे ध्यान ही मेन होता है, डाइट पे ध्यान दो. स्ट्रेस तुम लेना भी मत बिल्कुल भी किसी चीज का. और वैसे भी देखो ये सीधी सी बात है, सीधा सही फंडा है. लोग मेरे को पूछते थे कि रिलैप्स हो जाएगा, रिलैप्स हो जाएगा. ठीक है, मरना तो सबने है, सीधी सी बात है. सबने मरना तो किसी ना किसी टाइम तो मरने. रिलैप्स के बारे में भी हम ज्यादा सोचते रहेंगे, रिलैप्स होगा रिलैप्स होगा, तुम्हें भी हो जाए. अगर पॉजिटिव रहेंगे तुम्हें भी ना भी हो. मतलब मैं भी जब ट्रीटमेंट पे था ना, ये सोचते, क्योंकि रिलैप्स होने के चांसेस तो होते ही हैं. चलो हमें ठीक भी हो गया, लेकिन रिलैप्स होने के चांसेस बहुत होते हैं. क्योंकि एक बार इन्फेक्शन हो जाए तो चांसेस होते हैं, क्योंकि वीकनेस रहती है वो. बट फिर भी अपने आपको पॉजिटिव रखेंगे, किसी और चीज में ध्यान लगाएंगे, तो एक तो स्ट्रेस नहीं होगा, इम्यूनिटी कम नहीं होगी, फिर चांसेस कम होते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप आवर सेल्फ बिजी. हमें ना कुछ करते रहना चाहिए. अगर हम अकेले रहेंगे देन थिंकिंग आ ही जाएगी, स्ट्रेस हो ही जाएगा. इससे अच्छा है कि हम लोगों के साथ घुल मिल जाए, या फिर किसी से सराउंडेड रहे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें. जो भी टीवी पेशेंट्स देख रहे हैं, प्लीज गेट अलोंग विथ पीपल. आप लोग अकेले मत रहिए, बिकॉज जो अकेले होते हैं ना, अकेले रहते हैं ना, उस टाइम आपको बहुत ज्यादा थिंकिंग आ सकती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो सकता है, विच इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. यही होता है. चलो अच्छी बात है, बिजी रख. एक तो यही है पीस ऑफ एडवाइस कि अपने आपको बिजी रखो, नेगेटिव थॉट्स से दूर रखो. अपना जो भी ट्रीटमेंट है उसको कंप्लीट करना भी बहुत जरूरी होता है. एक्चुअली मुझे आज एक कॉल आया था, एक ही टीवी वॉरियर, उनका कॉल आया था कि उनकी कोई मेडिसिन है जो खत्म हो गई, उनको पता नहीं था. बट वो बोल रही है कि मैं मिस कर दूं तो, या फिर मैं अगले दिन ले सकती हूँ. मैं क्या, अगर आप ले सकते हो किसी भी पॉसिबल तरीके से, अगर आप ऐसा है कि आप मिस ना करो चीज को, तो वो चीज बेटर है.
या लेकिन अगर ऐसा ही कोई चांस हो जाता है कि मिस हो ही जाती है बाई चांस, तो स्ट्रेस आउट भी नहीं होना कि कभी ऐसा होगा कि मिस होगी। पागल कहीं हाँ होता है ना कि हम लोगों को क्या बोलना, हम भी वैसे थे कि हमें क्योंकि ऐसा बताया होता है कि मिस हो जाए मेडिसिन तो मतलब दोबारा टीबी हो सकती है, राइट। वो है चांसेस, वो हाँ गलत बात भी नहीं है, बट इन केस मिस हो ही गई तो उस टाइम सोचने की बजाय तुम नेक्स्ट डे से अपना स्टार्ट करो और एडिशनल डोज लेना ले या सकते हैं हम, बट सोच के यही तो है जो कि मिस मिस नहीं होगी करनी। आने वाला है नहीं, वो तो है ही, वही चीज है, बट ज्यादा वही होता है ना कि स्ट्रेस हमें भी लेके बताया था। कोई फायदा नहीं। हाँ, डॉक्टर ने यही बताया होता है कि मिस नहीं करनी, वो बात बिल्कुल ठीक है, करनी नहीं है, बट इन केस 0.0 कहीं हो जाए आपसे कुछ ऐसा, तो मूव ऑन करके वो आगे डोज एक्स्ट्रा ले लो, वो वैसा कर लेना चाहिए, बट स्ट्रेस आउट होके पागल हो वैसे वाले काम नहीं करने हैं। एक्चुअली पता है कि इसमें अभी लाइव सेशन में एक एक कोई आपका बिग फैन है जतिन राठी के नाम से, इज सेइंग आई एम बिग फैन ऑफ आरती मैम, मैम प्लीज रिप्लाई हाय, ओके, हाय भाई को, जतिन। और क्वेश्चन हो आपका तो बता दीजिए, मैम रिप्लाई करेंगे आपको। या इनका भी प्लीज क्वेश्चन ही प्लीज कुछ आस्क, आया, या इफ इन्होंने यू वांट काफी आस्क बार लिख दिया एनीथिंग मुझे। प्लीज। अजीत पूछ रहे हैं, दीदी क्या मेरी हेल्प करोगे, प्लीज प्लीज अपना क्वेश्चन बताइए। या प्लीज गाइस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन प्लीज आप लिख दीजिए। भी क्वेश्चन नहीं आए, बस बिग फैन आया इनका, कोई बात नहीं। ये आपको शायद आपका ये, सो गाइस एक और बात, इनका भी यूट्यूब चैनल है सो कलर्स ऑफ लाइफ, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। कोई भी आपको ब्रेन टीवी से, स्पाइन टीवी से या कुछ भी और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इनसे भी डिस्कस कर सकते हो, ये भी आपको अच्छे बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। जी मैं क्वेश्चन देख रही हूँ। मैम आज 3 बार वॉमिटिंग हो चुकी है, त्यागी। लग नहीं सो रहा, इट अच्छा क्या, या इट अच्छा, हाँ, यहाँ पे आया है मैसेज। सो इट इज नॉर्मल, आपको होता है वॉमिटिंग। मुझे 6-7 मंथ्स तक होता था। जब जब भी आपको वॉमिट हो, एक चीज का ध्यान रखें, आपकी अपना जो अपने आप को हाइड्रेट रखें, क्योंकि डिहाइड्रेशन में आपको क्या अनकॉन्शियस भी हो सकते हो, हाँ तो ओआरएस हाँ होता है वो लेते रहे थोड़ा थोड़ा करके, वोमिट चाहे 4-5 बार है कुछ, मैं तो 3 बार वोमिट करके फिर नाचने लग पड़ती थी, आदत इतनी हो गई थी वोमिट करने की कि वो हाँ नहीं मुझे 6 मंथ्स रेगुलरली, जब मैं मॉर्निंग का टैबलेट्स लेती थी उसके बाद वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाता था। एंड यू नो द फनीएस्ट पार्ट इज, जब मैं हॉस्पिटल में अनकॉन्शियस थी दैट टाइम मुझे बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रहा था। सो दैट टाइम माई हेयर वॉज लॉन्ग, तो जब कोई अनकॉन्शियस इंसान बेड पे सो के वॉमिट करता है तो उसके हेयर पे पूरे लग जाते हैं। मेरे हेयर पे पूरे लग गए, आई वॉज अनकॉन्शियस। माई मम्मा कट दिस, देखो लाइक मेरी मम्मी ने वॉमिट। अब हॉस्पिटल में बेड में वॉमिट इतना इसमें हेयर में किया है तो वॉश करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। मम्मी ने कट कर दिया। तो मेरा जब मैं कॉन्शियस होगी, मेरा होश में पूछा मेरा मम्मा हेयर कहाँ गया। बहुत सारे फनी इंसिडेंट्स भी है। एंड आपको वॉमिटिंग है तो आप पानी ज्यादा पीजिए, ORS पीजिए, या फिर यो शुगर एंड सॉल्ट मिला के पानी पीजिए। ये होता है वॉमिटिंग, 6-7 मंथ्स तक मुझे कंटिन्यू था। एंड आप टैबलेट्स ले रहे हैं उसकी वजह से भी होता है, तो हाँ, इट्स ये नॉर्मल, आपको करने की जरूरत नहीं है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आई, जो टिंगलिंग का प्रॉब्लम होता है उसका कोई उपाय है, हाँ उसका कोई सलूशन। टिंगलिंग का प्रॉब्लम मुझे तो अभी तक सोल्यूशन नहीं मिला है। आई इफ आई फील टिंगलिंग सेंसेशन फीट, आई मूव फीट लाइक दिस, ऐसे मूव करती हाँ हूँ मैं। या वही कर सकते हैं, बट अनदर बिकॉज ये क्वेश्चन प्लीज इज देयर, कंटिन्यू। इज इट सपोर्ट ग्रुप? सो वी बोथ आर टीबी वॉरियर्स, लाइक शी इज टीबी सर्वाइवर एंड आई एम टीबी वॉरियर, आई एम फाइटिंग टीबी। सो या यू कैन आस्क एनीथिंग रिलेटेड टू टीबी हियर। तो सपोर्ट ग्रुप भी है हमारा एक, मैं आपको उसमें भी आती, मैं आपको भी ऐड कर दूंगी, सो ओके हेल्प प्लीज, होगी आपकी भी ओके और बाकी लोगों की भी। टिंगलिंग का तो कोई सोल्यूशन है नहीं, सिर्फ पैर हिलाते रहो थोड़ा, मेरे ख्याल से हाँ एक साथ अगर हम बैठे रहे तो ही होता है, या वैसे चलते चलते भी स्टार्ट हो जाती है बैठे रहे तो मूवमेंट ही होता है। करो। अभी मैं बैठी हूँ यहाँ पे, पैर फोल्ड करते हुए मुझे टिंगलिंग हो रहा है, सो मैं पैर हिला रही हूँ अभी, इसलिए मेरा फोन भी हिल रहा अच्छा होगा। ओके ओके ठीक
है ठीक। नहीं जैसे हम भी बोलते हैं ना, जैसे हम पैर इकट्ठे थोड़ी देर बैठे रहे तो हम बोलते हैं पैर सो गया, मतलब बिल्कुल चलता ही नहीं है, सुन हाँ टाइप हो हाँ जाता है ना, हाँ वैसा प्रॉब्लम होता ही है। ये वैसा ओके प्रॉब्लम ओके, होता है मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया, मेरे को भी होता है, मुझे लगा मेरे नॉर्मल को होगा। होता। अभी और क्वेश्चन क्या रहे हैं, पढ़ू पाऊंगी? निकी मिश्रा, मैडम मैं पढ़ पाऊंगी? यस, आपका ट्रीटमेंट जैसे खत्म हो जाता है या ड्यूरिंग ट्रीटमेंट अगर आप अच्छा फील करते हो तो यू कैन स्टार्ट योर स्टडी, वो कोई वो नहीं है। जब मेरा ट्रीटमेंट मतलब 1 साल हो गया था, उसके बाद मैंने अपना MBA स्टार्ट कर दिया, तो वो कोई इश्यू नहीं है, आप अपना स्टडी इश्यू जो है वो नहीं कर सकते हो। आप। बस वही है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, एक क्या होता है, फॉर्मेट बनाओ, उस हिसाब से करो ताकि ज्यादा स्ट्रेसफुल ना हो चीजें आपके लिए। एक पूछ रहा है कि मैं, मेरी आज ड्रॉपलेट्स में ब्लड आया। गाइस, अगर ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट आपको ब्लड आ जाता है तो दैट इज क्वाइट नॉर्मल, बिल्कुल हल्का सा ब्लड आ जाए तो वो बहुत ही नॉर्मल चीज है। मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाई थी तो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट अगर आपको ब्लड आ जाता है हल्का फुल्का सा तो वो बहुत नॉर्मल है, क्योंकि हम कई बार होते हैं कफ बहुत ज्यादा जोर से कर देते हैं, उस वजह से भी नॉर्मल आ जाता है। कई बार कलर ही पिंक या रेड भी हो जाता है, क्योंकि मेडिसिन की वजह से भी हो जाता है। सो सो ये क्या समवन नाम है, कमेंटेड अनुलोम विलोम इज अ क्वेश्चन। यस प्लीज डू अनुलोम विलोम, आई डू इट एवरी डे। ये काफी अच्छा ऑप्शन है। योगा करो, जैसे जिनको जैसे जैसे आती है आपको ब्रेन का इशू, राइट? आप तो बाकी और भी जो भी योगा योगा पोस्चर है वो आप सारे कर सकते हो, अगर आप मतलब स्पाइन का अगर आपका बेटर है अभी, अगर आपको डॉक्टर रेकमेंड करते हैं तो आप हाँ और भी चीजें कर सकते हो। अगर आपको स्पाइन टीवी है तो आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट करिए कि आप कौन कौन हाँ से योगा कर सकते हैं, उसके बाद ही करिए। बिकॉज मेरे बोन्स में अभी बोन्स आर वीक, सो मैं योगा नहीं करती। आई जस्ट डू दिस अनुलोम विलोम एंड प्राणायाम। और मैडम मेरा ब्रेन ब्रेन शांत शांत नहीं हाँ है, हाँ शांत करने नहीं का करता, मन कुछ ही नहीं करने करता। नहीं करता। सो इट इज ऑल्सो अ कॉमन प्रॉब्लम, दिमाग ना शांत नहीं होता है। एक ऐसा कुछ चलता रहता है दिमाग में, इट इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम। एंड आप मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग आप मेडिटेशन करिए, 10 to 15 मिनट्स आप मेडिटेशन करिए। आप ट्राई करिए कि आप स्पिरिचुअल म्यूजिक सुने, क्योंकि जब हम स्पिरिचुअल म्यूजिक से जुड़ते हैं, जब हम गॉड से जुड़ते हैं, तो हमें हमारे मन में बहुत एक बहुत अच्छा गुड वाइब्स आता है। तो आप किसी भी रिलीजन के हो, आप अपने जो स्पिरिचुअल म्यूजिक है वो सुनिए, आप मेडिटेशन करिए। आई होप इट विल हेल्प यू। नेक्स्ट ये पूछ रहा है कि मेरी 6 मंथ्स की मेडिसिन से अभी 5 मंथ का चालू है, ब्लड आना कब बंद होगा? अगर आपका ब्लड कॉन्टिन्यूसली आ रहा है तो यू हैव टू चेक विद योर डॉक्टर, क्योंकि वो कुछ मेडिसिन देंगे उसके लिए, ब्लड को स्टॉप करने के लिए। बट हाँ, बीच में अभी 1 2 बार आया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट आपको कॉन्टिन्यूसली या डेली भी थोड़ा थोड़ा भी आ रहा है तो आप एक बार डॉक्टर से चेक करवा लीजिए, वो आपको इसके लिए रिगार्डिंग जो है मेडिसिन दे देंगे, स्टॉप हो जाएगा आपका ब्लड आना। अभी ये सारे हो गए, क्वेश्चंस आर हाँ हो गए क्वेश्चंस। क्वेश्चंस आर डन। सो आती है लाइव सेशन, हम यहीं पे अब खत्म करते हैं। और गाइस, ये वाला लाइव सेशन जो है मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूंगी थोड़ी देर में, तो जिन लोगों ने मिस कर लिया है वो जो है ये लाइव सेशन देख सकते हैं। अगर कुछ भी क्वेश्चन हो ब्रेन से या फिर स्पाइन टीवी से रिलेटेड या नॉर्मल टीवी से भी रिलेटेड तो आप हमें पूछ सकते हो। इनका चैनल का नाम है कलर्स ऑफ लाइफ, मेरे चैनल का नाम है MDR सर्वाइवल जर्नी। बाकी आप यहाँ पे भी हमें, जो मेरा इंस्टाग्राम है, यूजली जो भी क्वेरीज होती है मैं इंस्टाग्राम से ही उठाती हूँ, तो आपकी जो भी इंस्टाग्राम क्वेरीज होंगी तो आप इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, तो इंस्टाग्राम ID सेम ही है, MDR सर्वाइवल जर्नी। और आती आपकी कौन सी है, मेरी है कलर्स ऑफ लाइफ 34। कलर्स ऑफ लाइफ 34? तो आप हम दोनों में दोनों को भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है? सो एक लास्ट में पूछ रहे टू, ओके तो व्हेन इज योर नेक्स्ट लाइव सेशन, दिस इज वंडरफुल इनिशिएटिव। सो लाइव सेशन हम करेंगे जल्द ही, जब भी हमें कोई पर्सन मिलेगा
आरती हमें मिल गई है, अब और पर्सन हम ढूंढेंगे जिसके साथ हम लाइव सेशन कर सकें, होपफुली कोई डॉक्टर हो या फिर कोई वॉरियर हो या सर्वाइवर हो, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर सकते हैं। सो अब और गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हम दोनों के चैनल को, क्योंकि प्लीज सब क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, रिप्लाईज आते हैं तो मोटिवेशन मिलता है, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। एंड जस्ट बिफोर फिनिशिंग दिस लाइव आई वांट टू से समथिंग टू ऑल द टीवी वॉरियर्स आउट देयर, इट इज द वर्ल्ड वॉर, ओके, इट इज अ वेरी सिंपल डिजीज, आप लोग ठीक हो जाओगे। एंड मुझे एक लाइन है जो मुझे हमेशा इंस्पायर करती है, जब मैं फाइट कर रही थी, व्हेन आई वाज इन क्रिटिकल कंडीशन, जब मेरा होश आया था, देन माय वन ऑफ माय फ्रेंड सेंट अ वीडियो टू मी, तो वहां पे वो कहते हैं, आई होप वी हैव टाइम, राइट? Yeah, sure. Time है, yeah, so वहाँ पे वो बोलते हैं कि एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आप दीवार पे कुछ ऐसा लिखो जो अगर मैं गम में पढूं तो मैं खुश हो जाऊं, और खुशी में पढूं तो दुख हो जाऊं, ओके, सो गम में पढूं तो खुश हो जाऊं और खुशी में पढूं तो दुखी हो जाऊं। तो वहां पे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, This time will pass soon. तो आप लोग भी यही ऐसा ही समझिए कि ये वक्त जो है ये गुजर जाएगा, एंड दिस इज फॉर 1 or 2 years ओनली, आपका 2 years के अंदर या फिर 18 months के अंदर ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगा। तो आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को अकेला नहीं रहना है, ओके, अकेला नहीं रहना है। जब आप अकेले रहोगे तो आप सोचने लगोगे, ऑलरेडी यू हैव TBM, ऑलरेडी यू हैव TB, इट इज अ डिजीज, एंड अगर आप ज्यादा सोचोगे तो यू कैन गो टू डिप्रेशन ऑल्सो, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप हमेशा गेट सराउंडेड बाय पीपल, आप अपने मम्मी पापा के साथ, फ्रेंड्स के साथ, किसी ना किसी के साथ रहिए, किसी ना किसी के साथ बात करिए। एंड टू दो पीपल हु आर नॉट अ टीबी वॉरियर बट स्टिल वॉचिंग दिस लाइव, प्लीज स्टॉप डिस्क्रिमिनेटिंग, प्लीज स्टॉप डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट टीबी पेशेंट्स, क्योंकि ये बहुत ज्यादा होता है। जहाँ पे गांव होता है, जहाँ पे लोग थोड़े से एजुकेटेड नहीं होते हैं, वहां पे टीबी सुनते ही उनको ऐसा लगता है कि क्या हो गया, वो दूर दूर करने लगते हैं। एंड आई हैव हर्ड फ्रॉम सम पीपल दैट उनको टीबी है तो उनको रूम से बाहर आने नहीं दिया जा रहा है, लाइक नो वन इज कमिंग, ऐसे कैसे ठीक होंगे वो, है ना? अगर उनको उसकी टीबी भी है, वो स्प्रेड होती है, तब भी इफ दे आर वेयरिंग मास्क एंड दे आर टेकिंग proper precaution, you can meet them, right? So please don't discriminate against each patient. And so all the warriors keep stay motivated, stay strong, aap log jaldi theek ho jaoge. That's guys, what I want. Like, share and subscribe, hum dono ke channel ko karenge. Dekho abhi aarti ne even during the treatment ye initiative liya, ye bahut badi baat hoti hai, kyunki apne bhi jab banda treatment pe hota to waise hi khachal hota, wo waise hi pareshan hota hai बहुत सारी चीजों से लेके, और उसके बावजूद किसी को मोटिवेट करना ये बहुत बड़ी बात होती है। सो गाइस आरती के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि और मोटिवेट हो, ट्रीटमेंट खत्म करें अपना जल्दी से, और बहुत सारे लोगों की हेल्प करें। या वी विल विन टुगेदर, श्योर हम साथ ठीक होंगे, ओके। इफ गाइस एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरीज, यू कैन कमेंट ऑन माय चैनल, आई ट्राई टू रिप्लाई टू एवरी कमेंट, and I try to reply to every DM also on Insta, so you can DM me on Insta also, it is colors of life 34, and what, sorry yaar, I forgot your name, Vijeta. Yeah. Okay. So thank you so much, yeah, it was very nice, bahut acha laga, so thank you. So abhi karte hain hum bye, milte hain next session mein, bye. जब भी होगा, बाय बाय।